नहीं देखिए, जहाँ तक कोरोना को लेकर बात है, जिस तरीके से शहर के अंदर तरीके से जो हमारा एक्टिव टेस्टिंग है, टारगेटेड जो सैंपलिंग है, उसके थ्रू केसेज की संख्या बढ़ रही है। लेकिन जहाँ तक हम बात करें ग्रामीण इलाके की, तो ग्रामीण इलाके से अब तक जो भी केसेज आए वो भी हमारा प्रोएक्टिव एक्शन की वजह से। जिस तरीके से हम उत्तर सरगुड़ी की बात करें, तो उसमें भी जो वार्ड में का पॉजिटिव केस आया था उसके संपर्क में था, और संपर्क में रहने के कारण ही इसको हमने रात के अंदर ही पिक करके उसके फैमिली की पूरी टेस्टिंग करवाई थी, जिसमें 5 केस पॉजिटिव निकले थे, जिससे वो आगे वहाँ गाँव के अंदर ग्रामीणों के संपर्क में नहीं आए। जहाँ तक हम शेरगढ़ के केस की बात करें, शेरगढ़ का केस भी जो है उसकी गुजरात से आने की हिस्ट्री थी, और उसमें सिम्प्टोमेटिक पाए जाने पर वहाँ के डॉक्टर्स के द्वारा इसको इमीडिएटली यहाँ 108 से शिफ्ट किया गया था, और जिसको टेस्टिंग कराने पर यहाँ पर पॉजिटिव आया था। पिपाड़ की भी हम बात करें तो पिपाड़ के अंदर भी जो केसेस पॉजिटिव आए हैं वो भी 21 डेज के बाद में सराफ होने के बाद में पॉजिटिव आए हैं, उसको भी जो भी एक्टिव ट्रेसिंग करके हम लोग ला रहे हैं, और डिफरेंट कंटेनमेंट जोन बना के वहाँ की जो एक्टिविटी है रूटीन की सैम्पलिंग की, वो निरंतर हमारी जारी है। देखिए बिल्कुल जो भी उनके संपर्क में है उन सभी को हमने स्टेट क्वारंटाइन करके उनकी जो भी टेस्टिंग है वो हम टेस्टिंग करवा रहे हैं। और जिस तरीके से जाटी पांडू का जो हमारा सस्पेक्टेड करने लग रहा था, उसको भी हमने स्टेट क्वारंटाइन किया था, और नेगेटिव आने के बाद में उनको वहाँ पे होम क्वारंटाइन उनको किया। ठीक है,